उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में लहुरियादह गांव के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। यहां की महिलाएं हों या पुरुष, सुबह जल्दी उठकर कई किलोमीटर दूर मटके सिर पर लेकर जाते हैं और पहाड़ों के छोटे गड्ढों से जरूरत का पानी लेकर आते हैं। आज़ादी के बाद से यहां की प्रतिदिन की यही कहानी है, लेकिन अब इसमें सकारात्मक बदलाव आ रहा है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के प्रयासों से हर घर नल कनेक्शन से यहाँ रहने वाले लोगों की पहली बार प्यास बुझेगी। इसी कारण गांव के लोगों में खुशी की लहर है। पानी की सर यहाँ पहले बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन आए अभी जो SDM आई हैं मित्तल जी, उनके आने के बाद से काफ़ी सुधार हो गया है। पाइपलाइन भी 40-50-60% बिक चुकी है अभी तक गाँव में, और बीच भी रही है वर्तमान, सामने देख रहे होंगे आप लोग। और पानी बहुत जल्दी कोशिश है कि आने की संभावना बना हुआ है कि 10-15 दिन जो भी टाइम लग जाए। मेन पाइपलाइन का बस वही देरी है, बाकी ग्रामीण स्तर से बिक चुकी हैं पाइपें। काम अब लगा हुआ, बंधी बन गई थोड़ बहुत जौन बनी, बन गई थोड़ बहुत जौन बनी। पाइप वाला पाइप गड़ी गवा साहब, पाइप तो दुधारी गड़ा। रात दिना वहाँ मेहरारू मरसेरू लड़का वहीं सोवत रही, वो सरी लगाए के चल चल 5-5 रोज में पारी लौटत रही हूँ, 8-8 रोज में तब पानी पावत रहे बरसात में। अब तो खुशी है ना, दाई दिन अब पानी आई गए। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने नवंबर 2022 में यहां विजिट किया था, जिसके बाद ग्रामीणों को प्रतिदिन टैंकर से पानी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया था, जिसके बाद से लगातार ग्रामीणों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं ब्लास्ट हुए कुएं के मरम्मत के साथ ही पशुओं को पीने के पानी के लिए बंधा भी बनाया जा रहा है, जो पूर्ण होने के कगार पे है। साथ ही शासन से मंजूरी मिलने के बाद पेयजल लाइन खींचकर गांव में पानी पहुंचाने का काम 70% से ज़्यादा तक पूर्ण हो चुका है। जब से जिलाधिकारी महोदया का यहां लहुरियादह में भ्रमण हुआ था और यहां लोगों के पीने के पानी की जो समस्या थी उसके मद्देनज़र जिलाधिकारी महोदया ने इस पे अपने स्तर से जो है त्वरित कार्रवाई की और शासन स्तर पे भी बातचीत करके यहाँ की समस्या के समाधान के लिए यहाँ NCC लिमिटेड पूर्व में काम कर रही थी जल जीवन मिशन के तहत, उनको उन्होंने ये कार्य सौंपा कि इसको इस गर्मी में त्वरित गति से काम करके पाइपलाइन बिछाते हुए कनेक्शन दे दें ताकि लोगों की ये जो बहुत पुरानी समस्या है वो दूर हो जाए। उसी अनुक्रम में आज हम लोग यहाँ पर भौतिक सत्यापन के लिए आए थे। अभी लहुरियादह में मैंने देखा वहाँ गांव में पाइपलाइन बिछा दी गई है, 3-4 दिन में जो हाउस होल्ड कनेक्शन है उसको भी ये लोग शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसी के साथ जो बलाय भैंसोड़ पहाड़ ये गांव आपको दिख रहा है, इसमें भी पाइपलाइन बिछाने के लिए इन्होंने 2 JCB मशीनें लगाई हैं जो डे नाइट काम कर रही हैं। इसके अलावा मैनुअल भी इन्होंने टीम लगाई है ताकि जो अवशेष पाइपलाइन बिछाने का काम है वो भी पूरा हो जाए। इसके बाद हाउस होल्ड कनेक्शन करते हुए और यहीं ऊपर जो है हमारा CWR बना हुआ है, तो पंप जो भी ये इंस्टॉल करेंगे वहाँ से पानी वहाँ CWR में जाएगा, CWR से ये पाइपलाइन जो बिछाई जा रही है इसको कनेक्ट करते हुए और हाइड्रो टेस्टिंग के बाद यहाँ दोनों तीनों ये गाँवों में पानी की समस्या जो है सप्लाई के बाद समाप्त हो जाएगी। और लोगों में काफ़ी उम्मीद देखी गई, लोगों से वार्ता भी हुई, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे गांव में पाइप बिछ गई है, अब कनेक्शन और सप्लाई की ज़रूरत है, जिसके लिए NCC लिमिटेड के द्वारा टीम लगाई गई है और जिलाधिकारी महोदया ने और भी टीम बढ़ा करके इसको तेज़ी से किसी प्रकार जो है 15 जून तक जो है सारे काम ये समाप्त कर लें ताकि लोगों को जो वादा किया गया था कि इस गर्मी में हम लोग काम करा देंगे उस वादे को पूरा किया जा सके। और जिलाधिकारी महोदया द्वारा प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग की जाती है, फ़ोटो वीडियो भी मंगाया जाता है, हम लोगों को भी टीम में भेजा जाता है, तो इस प्रकार लोगों को भी उम्मीद है और प्रशासन भी आशान्वित है, उसे भी अब लग रहा है कि नहीं हम लोग 15 जून तक जो है जो अवशेष काम है उसको हम लोग पूरा करा लेंगे।